लेडीज एंड जेंटम मॉड्यूल फोर्टी थर्ड ऑफ दिट कैपिटलिज पार्ट टू स्पिर के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं लेकिन इससे पहले आपको ये समझ में आ गई कि कैपिटलिज्म बेसिकली अपने एवोल्यूशन से होता हुआ यानी फ्यूडलिज्म के बाद कंप्लीट प्रॉफिट मोटि पर चला गया उस प्रॉफिट मोटिवस के अंदर पब्लिक की वेल्थ के बजाय वो सिर्फ प्राइवेट वेल्थ के ऊपर फोकस हो गया यानी आप यूँ समझ लीजिए कि इन्फ्लुएंस होने की वजह से इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से आज भी अगर आप देखते हैं तो एक आदमी अगर सादा जुबान में देखते हैं तो वो कहता है वेट कैरी करना आई मस्ट हैव टू कैरी माई वेट यानी जो ज़्यादा कमाता है उसकी बात मानी जानी चाहिए वो अपनी बात मनवाएगा भी उसको रिस्पेक्ट भी दी जाएगी उसके इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से उसकी चेंजिंग्स को कबूल किया जाएगा और उसकी हक ना हक बात को तस्लीम भी किया जाएगा अब आपने देखा होगा कि यही बात जो है वो आपकी मार्केट को तब्दील करती रही आपने देखा होगा कि आपकी स्टॉक मार्केट्स अमेरिका की स्टॉक मार्केट्स अमेरिका की डिफरेंट मार्केट आपकी कैपिटलाइजेशन के हाथ जलती गई और फिर उसके अंदर होर्डिंग हैजिंग और बाकी चीज़ें जो हैं वो डिवेलप होती गई और आज आपने जो आज का ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर जो आप कैपिटलिज्म को रुथलेस कैपिटलिज्म की तरफ देखते हैं जिसके अंदर पब्लिक की वेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया और जो प्राइवेट इंडिविजुअल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई इस स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में हम देखते हैं कि वेबर एम्फसाइज करते हैं कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म जो है वो रेडिकल डाइवर्जेंस को ट्रेडिशन नॉर्म्स से तब्दील करती है यानी एक रेडिकलिज्म आ गई और एक रेडिकल डाइवर्जेंस जो है फ्रॉम ट्रेडिशन नॉर्म्स तब्दील हो गई यानी फेडरलिज्म में ये था कि आपका हिस्सा है आपका हिस्सा आपको तकसीम होता है हारियों में भी दे दिया जाता है लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे बेहतरी आने के बजाय यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होने शुरू हो गए और आपकी जो पब्लिक वेल्थ के बजाय प्राइवेट ओनरशिप जो है उसने नॉर्म्स को तब्दील कर दिया और अब आपको बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि फार्मास्यूटिकल के अंदर आप कौन सी चीज़ों को लेकर आ रहे हैं मसलन एग्ज़ाम्पल के तौर पर ऐसी इरेलीवेंट चीज़ें जिसके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी आपने उनके अंदर करना शुरू कर दिया एक बेसिक चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही आप किसी और किस्म की जो मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं इसी तरीके से एलिमेंट की दवाइयाँ जो हैं आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपकी मुश्किल आ, आ, मतलब अद्वियात हैं यानी आपको ऐसी डिजीज हो गई है उस डिजीज की जो मेडिसन है यानी डायलिसिस है तो डायलिसिस को महंगा कर दिया गया उससे रिलेवेंट अद्वियात को महंगा कर दिया गया यानी ये प्राइवेट ओनरशिप की वजह से पर्सनल इंटरेस्ट और मार्केट की हैजमनी की वजह से आपकी मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू हो गई इसी तरीके से एजुकेशन के सेक्टर के अंदर आपने देखा कि एजुकेशन के अंदर पैसा डलना शुरू हो गया आपकी फीसें बढ़ना शुरू हो गई आपका बीबीए ऑनर्स जो है या एमबीए या बाकी चीजें जो है वो चालीस चालीस लाख क्रॉस करने लग गई आप मल्टी नेशनल कंपनीज की तरीके से आपकी जो है एजुकेशन वो वो बिहेव कर रही है आपका हॉस्पिटल जो प्राइवेट ओ, ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपने आप के स्टैंडर्ड्स को भी फाइव स्टार सिक्स स्टार सेवन स्टार से एब्रीवेट करना शुरू कर दिया सो आपने ये देखा कि ट्रेडिशनल नॉर्म यानी हेल्थ और एजुकेशन तो इंसानों के लिए फ्री हुआ करती थी क्या ये रियासत का काम हुआ करता था तो इससे हटकर जब प्राइवेट ओनरशिप किया हुआ तो उनको कोई इससे लिहाज नहीं रहा कि जब तक अगर आप फी पे नहीं करेंगे आपका इलाज नहीं किया जाएगा यानी इंसानियत माइनस होना शुरू हो गई आपकी प्राइवेट ओन आपकी प्राइवेट जो इंटरप्रिटेशन आपका स्टॉक या आपका प्रॉफिट या प्रॉफिट मोटिव सादा सी बात को समझ लीजिए इसने डाइवर्जेंट लिया प्रॉफिट मोटिव बढ़ने लग गए स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म गिव्स रेस टू न्यू न्यू आइडियल इकोनॉमिक रैशनलिज्म इसके अंदर नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर अगर आप देखें तो वो नेचुरल ऑर्डर चेंज गया अब वो नेचुरल ऑर्डर जो था जिसके अंदर गरीब को सेहत गरीब की एजुकेशन यानी सब लोगों की सेहत गरीब को नाम माइनस कर दीजिए सबकी सेहत और सबकी तालीम बराबर होगी अब यहाँ पर क्या हुआ कि आपने बड़े सेंसिटिव मामला यानी अद्वियात यानी फार्मास्यूटिकल आपके खाने की प्रोडक्ट आपके जो एफएमसीजीज़ हैं रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें आपकी रोटी आपका ब्रेड आपके बाकी बाकी खुरदनोश की चीज़ें ये उसी तरीके से बढ़ना शुरू हो गई और उनको सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से लेना देना इसी चीज़ ने कार्टलाइजेशन पैदा की इसी चीज़ ने जो है वो ज़ख़ीरादोज़ी पैदा की इसी चीज़ ने गंदम को भी दबाना शुरू कर दिया चीनी दबाना शुरू कर दी दूध को दबाना शुरू कर दिया बच्चों के दूध को दबाना शुरू कर दिया और उनकी प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि इंडिविजुअल इंटरेस्ट के अंदर प्रॉफिट्स बढ़े ये क्रिमिनल क्रिमिनलिटी की तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया क्योंकि जब आप प्रॉफिट मोटे में बढ़ जाते हैं तो क्यों आपकी एंड होती है आगे देखते हैं कि मनी मेकिंग कंसिडर्ड थ्रू आउट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री एज अ मैरी मीन ऑफ सेटिस्फेक्शन मटेरियल नीड्स बिकम अ मॉरल ड्यूटी द वेरी पर्पज ऑफ द लाइफ इसको बना दिया कि जी मटेरियलिज्म अपने एट हैक हो गई अब मैं यहां समझाना चाहूंगा मटेरियलिज्म कोई बुरी चीज नहीं है आपकी दुनिया दुनिया परस्ती दुनिया को रहने के लिए हर चीज़ की जरूरत होती है लेकिन मटेरियलिज्म फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ हो जाना तो फिर आप ज्यादा से ज़्यादा क्रिमिनलिटी की तरफ चले जाते आपकी मार्केट की तरफ सोचते हैं आप प्रॉफिट सोचते हैं आप सिर्फ फ़ायदे सोचते हैं आप छोड़ देते हैं कि आप चीज़ को चीज़ मैारी दे रहे हैं या गैर मयारी दे रहे हैं आपने कुछ अरसे के अंदर देखा होगा एक जमाना था हमें अच्छे हाकिम मिला करते थे तगड़े हाके मिला करते थे फलसफी हाकम होते थे समझदार हाके मिला करते थे अब आपने देखा होगा लो एक हाके मिलते हैं आपको जो है वो हकूमत करने वाले आपके वजरा आपके बाकी लोग वो कैलेबर नहीं रखते इसी तरीके से आपके जो फार्मास्यूटिकल्स में आपके केमिस्ट में आपके उस्तादों में हम उन मैरिट्स को जो है वो स्टैंडर्ड्स पर जब नहीं देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर मैरिट पर नहीं है तो आप ये समझ दें कि पूरी अगले आने वाली नसल जो है बिल्कुल लो इक्विपमेंट पैदा होगी और इसी तरीके से अगर आज आपने सेहत के आ, आ, अंदर जो है वो कोई खराबी कर ली तो आगे पूरी तो प्रॉफिट तो मिल जाएगा लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ खराब होगा तो मटेरियलिज्म जो है वो फासिस्ट कैपिटलिज्म की तरफ जब चली गई तो उसने मेन स्पिरिट जो है उसकी वही उसी तरफ मोटिव की तरफ चली गई जिसके अंदर सिर्फ सिर्फ देखा जाता है वेरी फोकस इज द प्रॉफिट मोटिव दिस इज हाउ द कैपिटलिज्म वर्क इन द फर्स्ट सेंचुरी Thank you very much.